मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं करे किक जय। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सर मुझे एनआईटीज में कितनी रैंक चाहिए होगी, है ना, कि मतलब लास्ट टू लास्ट वाला अगर हमको सिर्फ एनआईटी एक ब्रांड टैग मिल जाए तो कितनी रैंक हो, या ट्रिपल आईटी मिल जाए, बिकॉज हमारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं चल रही कि ऊपर के टॉप 5 में या टॉप 10 एनआईटीज में हमको मिल रहा हो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एनआईटीज की लास्ट 5 एनआईटीज कौन कौन सी थी जो कि मिल रही थी, या ट्रिपल आईटीज कौन सी थी जो आपको मिल सकती हैं, या आपको कितनी स्कोरिंग स्कोर करनी होगी या कितनी रैंक चाहिए हो तो आपको एनआईटी या ट्रिपल आईटी मिल जाए। तो वीडियो आप कंप्लीट देखना, बिकॉज जोसा के लास्ट राउंड की कट ऑफ मैंने आप पर कंसीडर की हुई है, और सीएसएबी का राउंड 1, सीएसएबी का राउंड 2, उसमें भी एनआईटी ट्रिपल आईटी सारी चीज हम लोग यहां पर ब्रीफ करेंगे, विद ब्रांच भी बात करेंगे, ये भी बता देंगे कि ब्रांच कौन सी मिल रही थी, बिकॉज लास्ट ईयर की काउंसलिंग काफी एक्सटेंड कर गई थी तो कट ऑफ भी काफी एक्सटेंडेड थी। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना, हम आपको सेफ एक स्कोरिंग एक होती नहीं, एक सेफ कितना स्कोरिंग रहेगा वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर क्या हुआ था, सीएसएबी राउंड बहुत ज्यादा डिले हो गया था, इसलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर गई थी, बिकॉज ऑलमोस्ट जितने भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे जल्दी से सीट अक्वायर करके अपना कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिया था। तो इस चीज को ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर के भी आप में ये कंफ्यूजन या मिथ मत रखना अपने माइंड में, बिकॉज बहुत सारी वीडियोज ऐसी बनेंगी कि पिछले साल इतना कट ऑफ गया था, इस बार भी इतने जाने के बिल्कुल चांसेस हैं। तो मैं बोलूंगा इस बार अगर जेई सेम टाइम पे होता है, दूसरा चीज पिछली बार के सिनेरियो में और इस बार के सिनेरियो में काउंसलिंग में बहुत कुछ डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो सिंपली इस बार क्या होगा, इस बार की जो काउंसलिंग होने वाली बड़ी सिस्टमैटिक होगी कि प्राइवेट कॉलेज पहले होंगे, है ना, और देन फिर गवर्नमेंट वाला अपना एक अपने शेड्यूल पे काउंसलिंग क्लोज हो जाएगी। लेकिन यहां पर मैं बोलूंगा कि एक सेफ स्कोरिंग एक अलग चीज है, और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के हिसाब से आप 1,00,000 रैंक पे इस बार एनआईटीज मिलना मतलब पॉसिबल नहीं होगी। तो देख लेते हैं कौन कौन सी एनआईटीज मिली थी। सबसे पहले यार इंपॉर्टेंट चीज ये कि जेई का फिर से पोर्टल ओपन हो चुका है, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था जाकर अपना रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद एनआईटीज ट्रिपल आईटीज लास्ट रैंक क्या रही थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा। सिंपली यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ, जोसा राउंड 6 की कट ऑफ लिखी है, लास्ट सीट लॉटिंग सीएसएबी राउंड 1, सीएसएबी राउंड 2, तो ये पूरी कट ऑफ लिखी हुई है। उसके बाद में अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जोसा काउंसलिंग जो होती है वो आपकी कैटेगरी रैंक पर होती है ना, कैटेगरी रैंक पर होती है, और जो सीएसएबी काउंसलिंग होती है वो एआईआर रैंक पे होती है, ऑल इंडिया रैंक पे, आप इसको सीआरएल जिसको कॉमन रैंक लिस्ट बोलते हैं या सीआरएल रैंक पे भी होती है आप ये भी कह सकते हो। जनरल में देखोगे 58,000 तक आपकी अलॉटमेंट हुई थी, ईडब्ल्यूएस में 9,489 तक हुई थी, इट्स मीन की जितनी भी रैंक लिखी हुई है यहाँ पर ये सारी की सारी कैटेगरी रैंक है। अब आपके लिए सेफ स्कोरिंग कितना होगा, तो एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के लिए मैं आपको बताऊं कि आपको जो स्कोरिंग चाहिए होगा अराउंड 60,000 से 65,000 तक, बस आप इतनी लेकर चलो, बिकॉज लास्ट टाइम बहुत ज्यादा वेरिएशन आए थे। एक ये सेफ स्कोरिंग की बात करूं, बाकी मिलेगा और भी आगे एक्सटेंड होगा, कैटेगरी वाइज और आगे एक्सटेंडेड होना है। सीएसएबी राउंड 1 में 81,752 तक मिला हुआ था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 1,01,499 पे आया था, ओबीसी का 88,000 तक मिल गया था, उसके बाद एससी 2,29,000 तक, और एसटी का 2,72,000 तक। तो जनरल वाले के लिए 65,000 तक सेफ स्कोरिंग रहेगी, ठीक है ना, और ईडब्ल्यूएस के लिए आप 70,000 तक ले लो, 75 तक भी आप अप्रोच आउट कर सकते हो। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आप अभी से अपना सर्टिफिकेट वगैरह बना के चलना, ठीक है, ताकि आपको आगे काउंसलिंग में प्रॉब्लम ना आए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट की बात करोगे तो 80,000 तक आप लेकर चलो, है ना, एससी कैंडिडेट के लिए 2,00,000 रैंक तक, है ना, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होगा तो 2.25 हो जाएगा, और एसटी के लिए मैं बोलूँगा 3,00,000 रैंक तक आप उम्मीद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 से 3,00,000 के बीच में। और ये एक्सपेक्टेड डेटा है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे काफ़ी कुछ डेटा सीएसएबी 2 का एक्सटेंडेड आपको दिख रहा है। उसके बाद में कौन से लास्ट कॉलेज कौन से थे जो कि अलॉट हुए थे, एनआईटी अगरतला में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, एनआईटी राउरकेला में लाइफ साइंस, एनआईटी श्रीनगर में मेटलर्जी एंड मटेरियल एंड मेटलर्जी वाली जो ब्रांच है वो मिली थी, एनआईटी आंध्र प्रदेश हो गया, है ना, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, रायपुर, ये कुछ कॉलेज थे एनआईटीज में जो कि अलॉटमेंट हो रही थी जिनकी लास्ट तक गई हुई थी। तो अगर आपको इस बिहाफ पर अगर आप जाओगे तब भी आपको लास्ट तक यही वाले कॉलेज मिल रहे होंगे, अंडरस्टूड सी बात है। अब अगर हम बात करेंगे ट्रिपल आईटीज के, तो ट्रिपल आईटी ऊना, भागलपुर, मणिपुर, रांची, ये थे ट्रिपल आईटीज में जो कि कॉलेज आपको अलॉटमेंट में मिल रहे थे। वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी जो भी डाउट क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।